दर है जहां अकड़ने से बात नहीं बनती, झुकने से बात बनती है। इसलिए गुरु घर में प्रवेश करने का मतलब है नम्रता पाओ, नम्रता सीखो। जितनी नम्रता आएगी उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भगवान के दर पर जाकर भी जो लोग लड़ाई झगड़ा कलह कलेश निंदा चुगली आलोचना सब करते हैं, तो दुनिया तो जाके हॉस्पिटल में ठीक होती है। अगर कोई हॉस्पिटल से बीमारी लेकर आए तो उसका इलाज कौन करेगा? तो मंदिर धर्मस्थल तो आपके लिए हॉस्पिटल है, जहां जन्मों की बीमारियां खत्म होती है। लेकिन कुछ लोग वहां जाके भी पॉलिटिक्स करते हैं, वहां जाके जब पॉलिटिक्स करते हैं तो वहीं से बीमार होकर आएंगे और फिर उनका इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो ये निवेदन है कि सेवा भी आगे ले जाती है आपको, लेकिन सेवा करने वाले आदमी को नम्रता सीखनी चाहिए। सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए, सेवा करें और किसी के सामने सेवा का करके अपना चेहरा आगे नहीं लाइए कि मैंने ये किया मैंने वो किया, करें और भूल जाएं। अभी भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े सेवा के काम किए लेकिन प्रदर्शन नहीं किया। अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो अपने देश में भामाशाह से लेकर पहले तो कर्ण महाभारत में ऐसा व्यक्ति हुआ है, ठीक है, वो दुर्योधन के साथ था, पांडवों का भाई था, लेकिन बहुत बड़ा दाता था, बड़ा दानी। इतना बड़ा दाता इतना बड़ा दानी, उसने हर रोज 125 सोना दान करता था, इसलिए उसको बोलते हैं सोने के रथ वाला, रश्मि रथी, कि जो सोने के रथ पर बैठकर इस धरती से स्वर्ग में गया। ये भी कहते हैं कि प्रकाश के रथ पर बैठकर स्वर्ग की प्राप्ति की उस आदमी ने। जब कर्ण मरा तो कृष्ण भगवान भी उदास होकर बोले, आज इस धरती से दान का सूर्य अस्त हो गया। एक ऐसा सूरज अस्त हुआ है जो दाता था, दानवीर था, कि कर्ण महान था। तो अर्जुन ने कहा कि पहले तो आपने कहा कि इसको मारो, अब इसके मर जाने के बाद आप कहते हैं ये तो दानवीर था, सूरज था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं किसी के मरने के बाद उसकी अच्छाइयां याद की जाती हैं, बुराई नहीं। इसकी गलती यही थी, ये बुरे आदमी के साथ खड़ा होकर अधर्म बढ़ाने में सहयोगी था, लेकिन खुद के जीवन में इसने जो कुछ किया वो बहुत ऊंचा किया, दाता था। भामाशाह हमारे देश में इतना बड़ा दानी व्यक्ति हुआ, जिसने अपने देश को बचाने के लिए राणा प्रताप को बहुत बड़ा सहारा दिया था, अपना सारा धन, बहुत बड़ा खजाना था उसके पास। तो राणा प्रताप के पास गया और जाकर उसने कहा कि आपकी फौज के पास राशन नहीं है, लड़ने के लिए हथियार नहीं, क्योंकि पैसे की कमी है। तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, देश की लड़ाई है, तो देश का सिपाही मैं भी हूं, तो मैं व्यापारी हूं तो पैसे से लड़ाई लड़ सकता हूं, अब मैं साथ खड़ा होता हूं। उसने अपना सारा धन दे दिया। राजस्थान में जो वीरों के गीत गाए जाते हैं वहां भामाशाह के भी गीत गाए जाते हैं। अपने बच्चों के लिए वसीयत करके मरने वाले तो बहुत हैं, पर इस धरती के लिए कुछ करके जाए ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए वसीयत करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग हैं, जैसे अमेरिका के एक बहुत धनी व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट, उस व्यक्ति के पास 1,00,000,000,000 से भी कहीं ज्यादा संपत्ति है। उसने अपनी संपत्ति में से 80% दान कर दिया, मतलब 20,000 करोड़ अपने पास रखा, 80,000 करोड़ तो सेवा में लगा दिया।
और ये कहा कि अपने बेटे को नहीं दूंगा, तो बेटे से कोई नाराजगी नहीं उसको, वो कहता मैं चाहता हूं मेरा बेटा भी वारन बफेट बने, कमाने वाला बने, मेरा पैसा लेकर अमीर बनेगा तो खराब कर लेगा पैसे को, सीखे और दुनिया में तरक्की करे। ऐसे अनेक लोगों का वर्णन है, चाहे वो जापानी लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, दान की बड़ी महिमा और कमी नहीं रहती ऐसे लोगों के पास, भगवान उनको और आगे बढ़ाता है, क्योंकि छूटना तो सब यही है, कमाओ भी लगाओ भी सेवा में, तो सेवा धन से भी, सेवा तन से भी, सेवा मन से भी। जब आप सेवा करते हैं तो भी भगवान की भक्ति, और भजन करते हैं वो भी भक्ति, तो तन से भी मन से भी और अपनी वाणी से भी और अपने ध्यान से भी परमात्मा की भक्ति करिए, सिद्धि पाइए। सिद्धि पाने के लिए जितना जल्दी हो सके सुबह उठ करके परमात्मा की भक्ति करिए। भागवत महापुराण में ऐसा कहा गया है कि मेरे, भगवान कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों की जो पहचान है वो ये है, श्रद्धा में अमृत कथायाम, श्रद्धा अमृत कथायाम में शश्वन मद कीर्तनम। जिस व्यक्ति की मेरी कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, जहाँ मेरी अमृत कथा हो रही हो, उसमें जिसकी श्रद्धा है, और जो शश्वन मद कीर्तनम, निरंतर जिसका भजन कीर्तन में मन रहता हो, परिनिष्ठा च पूजायाम, और वफादार बन करके पूजा पाठ करता हो, वफादार मतलब ऐसी निष्ठा कि कभी भी पूजा पाठ से विमुख न हो, जितना भी मौका मिले पूजा पाठ जरूर करें। जिस दिन बहुत कोई इमरजेंसी हो उस दिन अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते तो जहाँ भी जा रहे हो चलते चलते भी मन मन में जाप करते हुए जाओ। जिन लोगों को नियम निभाने की आदत होती है वो क्या करते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करने का नियम बना लिया, या पार्क में जा कर के जॉगिंग करने का या सैर करने का नियम बनाया, तो बुखार हो गया, अब घर में पड़े हैं तो जा तो सकते नहीं, तो भी लेटे लेटे मन में कल्पना करें कि मैं पार्क में गया हुआ हूं, चक्कर लगा रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। मानसिक रूप से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे आदमी की आदत कभी नहीं छूटती, उसकी आदत बनी रहेगी। ऐसे ही अगर आप मंदिर नहीं जा पाए, बीमारी की हालत में लेटे पड़े हैं, मन मन में आप ऐसा ही चिंतन करें जैसे आप वहां पहुंच गए, पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद मिल रहा है। जिस आदमी का मन भी लगता है और नियम से लगता है, उस आदमी को आदत पड़ जाती है, उसकी आदत छूटती नहीं। जैसे आपने बुरी आदतें डाल ली, ऐसी अच्छी आदतें भी जिंदगी में लगा लेनी चाहिए, वो आदतें जीतेंगे तो आप जीत जाओगे। इसलिए अगर जिंदगी को जिताना चाहते हो तो अपनी आदत वही बनाओ कि जो आदत आप बनाना चाहते हैं, मतलब जो आपके जीवन को आगे ले जाने में सहयोगी है, उस आदत की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप ना भी चाहोगे सवेरे उठकर पूजा पाठ नियम से करते थे, किसी दिन ना भी चाहोगे तो आपका मन आपको जगा के बैठा देगा, पूजा कराएगा जरूर। और अगर आपका मन तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती अपने आप को बैठाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें छूट जाती हैं। इसलिए नए साल में कितने कितने लोग कितने सारे संकल्प करते हैं, लेकिन उनके संकल्प पूरे नहीं होते, दो चार महीने चलते हैं फिर छूट जाते हैं। मन मजबूत करना और उस आग को बुझने नहीं देना। सफल लोगों की भी पहचान यही है कि अपने अंदर आग जलाई तो उस आग को बुझने नहीं देना, उस आग को जिंदा रखना, अपने आप को प्रेरित करना। जिन विद्यार्थियों को पढ़ने की रुचि होती है वो ये जानते हैं कि ठीक है नई फिल्में भी हैं, नई तरह के मनोरंजन भी हैं,
लेकिन ये सब तब जब मैं अपना लक्ष्य पूरा कर लूं। गप्पे मारने के लिए भी टाइम है, लेकिन अभी नहीं है, सारी चीजें बाद में करेंगे। क्योंकि अगर इस समय का कीमती समय हाथ से निकल गया तो फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि इस समय जो कीमती है, पहले टाइम उसको दूंगा, बाकी समय बाद में जब मैं पूरा कर लूंगा तो फिर उसके लिए समय लगाऊंगा। जिसने अपने आप को इतना मजबूती से लगाया वो किसी न किसी ऊंचाई पर पहुंचेगा जरूर, और जो खो गया, जिसका मन भटक गया, वो दुनिया में कहीं उसकी पहचान नहीं होती। ज्यादातर लोग कीमती के लिए समय नहीं निकालते, बेकार की चीजों के लिए समय लगाएंगे और बाद में रोएंगे और पछताएंगे। तो इसलिए निवेदन ये है, एक तरफ मन को ठहराना और उसके लिए पूरी ताकत लगा देना। जब आप ऐसा करते हैं तो बीच में एक समस्या आती है कि आप करते तो जा रहे हैं लेकिन बीच में आग ठंडी हो जाएगी, दिमाग रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे आप सब जो कुछ शुरू किया था वो छूट जाएगा आपका। तो अपनी आग को फिर से जिंदा करना चाहिए, अपनी आग को फिर से ईंधन डालकर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जिन्हें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है, जिन्हें जीवन में सफल होना है, उन्हें अपनी आग जिंदा रखने के लिए गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख होने का मतलब गुरु की और मुख हो, गुरु की और दृष्टि हो, गुरु की और आपका मन लगे, गुरु की वाणी में आपका मन लगे। तो गुरु के जो विचार हैं उनको रोज सुनिए, उन्हें लिखिए, उनको पढ़िए, तो आग ठंडी हो रही होगी, फिर से जिंदा होगी और आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये विचार शक्ति चाहिए आपको, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नेपोलियन फ्रांस का प्रधान सेनापति बना और बाद में तो वहां का भाग्य विधाता बना। उस व्यक्ति को जब वो पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, तो अपने माँ से दूर एक छोटे से टाउन में रह के पढ़ता था। तो वहां उसको दोस्त लोग मनोरंजन के लिए, इधर उधर की बेकार की बातों के लिए बहकाते रहते थे, तो किसी की सुनता नहीं था। तो पड़ोस में एक महिला थी, वो बार बार आए, उसकी मजाक उड़ाए और कहे कि तुम्हें जो सब कहते ना, तुम किताबी कीड़े हो, तो सच्ची बात है, तुम तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, तुम्हें दुनिया का पता ही नहीं, दुनिया कहाँ जीती है। उसको चिढ़ाए, मजाक करे, हंसे और चले जाए। अब बच्चों का मन जो है, ज्यादातर जो खासतौर से 15 साल से लेकर 20 साल की जो एज होती है वो संवेदनशील आयु होती है, उसमें अगर कोई मजाक उड़ाए, कोई छेड़े या कोई बहकाए, आदमी का दिमाग पर असर बहुत होता है। तो इसका दिमाग थोड़ी देर के लिए अगर घूमे तो तकिए के नीचे इसकी माँ का पत्र लिखा हुआ, कई सारे पत्र रखे हुए थे, ये उसको पढ़ता था, जिसमें माँ ने लिखा हुआ था कि मेरे बेटे, समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है कि तुम कुछ बनकर आओ। इस समय दुनिया भर के आकर्षण तुम्हें अपनी तरफ बहकाएंगे, लेकिन अगर तुमने उन आकर्षणों को देखना शुरू कर दिया तो समय तुम्हारा इतिहास नहीं लिखेगा। और अगर तुम अपने काम में लगे रहे, वक्त आएगा, एक दिन तुम्हारा इतिहास बनेगा और फ्रांस देश, तुम्हारा देश तुम्हारा नाम लेगा, तुम सबसे ऊंचे पहुंचोगे। इसलिए अपने लक्ष्य को देखो, दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया के मनोरंजन की तरफ मत देखो, जो बनने आए हो वो बन के रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ का पत्र पढ़े और जो मन उसका इधर उधर भटकता था रुक जाए, क्योंकि आग ठंडी हो जाए, आग को दोबारा जगाने के लिए ईंधन चाहिए। तो जैसे वो पढ़े, उसके बाद फिर
पत्र पढ़ते ही पुस्तकें हाथ में ले और पढ़ने बैठ जाए। जो उसने बनना था बना, जब वो प्रधान सेनापति बन गया, कमांडर इन चीफ बना फ्रांस का, तो उसके बाद उस जगह पर जहां वो रह करके पढ़ा करता था, घोड़े पर बैठकर और अपनी फौज को साथ लेकर वहां उस मोहल्ले में आया, तो पुलिस वाले प्रबंध करने के लिए लगे हुए थे। चारों तरफ वहां के बड़े बड़े लोग आकर खड़े हो गए, नेपोलियन आया है, प्रधान सेनापति आया, पूरे मोहल्ले भर के लोग इकट्ठे हो गए और एक सभागार में उनके स्वागत का सम्मान करने के लिए स्वागत का प्रबंध किया गया। तो इसने कहा कि वहां मैं बाद में जाऊंगा, पहले कहीं और जाना है। तो वो घोड़ा चलाते चलाते पीछे पीछे फौजी लोग, पुलिस वाले भी, उस कमरे के सामने जाकर इसने घोड़ा रोका अपना, जहां वो पढ़ता था। और उसने देखा कि सारा मोहल्ला देखने आया है, तो वो महिला भी आ गई। उस महिला को देखकर इसने कहा कि यहां एक नेपोलियन नाम का स्टूडेंट रहता था, वो पढ़ाई करता था, उसके बारे में कुछ पता है, वो आजकल कहाँ है? तो वो एकदम बोली, हुजूर वो तो मर खप गया होगा, किताबी कीड़ा था, ऐसे कमरे में बैठा रहता था, अजीब शक्ल बना के रहता था, उसने तो कभी बाहर झांक के देखा भी नहीं। मैं उसको कितनी बार छेड़ती थी, हंसती थी, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। साथ ही सूरत, गुजरात, कानपुर, उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। यहाँ भी बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में।
यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग।